वो बातें हैं जिनको बहुत ही बेगैरत होगा तो चैलेंज करेगा। नंबर वन, उसने जिंदगी में जिस काम में हाथ डाला, इमरान की पहली बात जिंदगी में नामुमकिन तरीन कामों को उसने मुमकिन करके दिखाया। और वो जो आप कह रहे हैं ना, वो स्पीकर वो कोई नहीं है ना, उसने कभी बनना है। ऑरेटर्स आर बॉर्न ऑरेटर्स, ऑरेटरी सीखते नहीं हो आप। लेकिन वो इन सबसे ज्यादा अपील इसलिए करता है कि वो जो बोल रहा है वो दिल से बोल रहा है, वो हल्क से नहीं बोल रहा, वो जुबान से नहीं बोल रहा, वो इन चीजों बिलीव करता है। वो हारी हुई टीम को कह रहा था कि मैं वर्ल्ड कप लेके आऊंगा, उसको एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर्स ने, वो कहां का डॉक्टर है बेचारा, उन्होंने कहा ये जो तुम कैंसर हॉस्पिटल बनाने चले हो पूरी दुनिया में खुली, ये हो ही नहीं सकता, तुम पागल हो। वो तो पागल है, ऊपर से पठान भी है, उसने बना के दिखाया। नमल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप जो आप जो उसने अलम वलम किया, ठीक है, एक तो वो डिलीवर करना जानता है, दूसरी बात ये कि बड़ी से बड़ी टेम्पटेशन, वो पैसे का हरीस आदमी नहीं है। मेरा उसके साथ बहुत वक्त गुजरा है, ये बात मैं कसमन कह सकता हूं, हलपन कह सकता हूं, और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो घर से नहीं निकलता 10-10 दिन, तो वो इशू नहीं। दूसरी बात, पहली बात उसकी, उसकी उसके अंदर खोट नहीं है, खरा आदमी है वो, रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है, फोकस्ड आदमी है, जान लड़ा देने वाला है। अगर उसने कहा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप के लिए उसने अपना आप भारत कर दिया। उसने कहा इतना वो एरोगेंट और सारा कुछ और होना चाहिए, मैं इसको कोई ताना नहीं दे रहा, वो फकीर बन गया सर सैयद अहमद खान की तरह, जैसे उन्होंने अलीगढ़ बनाने के लिए घुंघरू बांध लिए। इमरान खान के घुंघरू लोगों को नजर नहीं आए, इमरान खान जैसा आदमी जिसके लिए जिंदगी की अफार आसाइश आदत थी, अपना करोड़ों रुपया दान करके वो झोली फैला के पूरी दुनिया में गदागर, वो बैन अल-अक़वामी गदागर बना, कि वो अभी तक आजमाया नहीं गया। मुहित साहब, दूसरा प्लस उसका, जिसके सामने ये सारे हेच हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये 25-25, 30-30, 40-40 साल से ये चिपके हुए झोंकों की तरह, वो अभी तक आजमाया नहीं गया। मैं इसका वकील नहीं हूं, मौका दो मुझे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इमरान खान आए या कोई भी आए। हम तो सच्ची बात है खुद प्रिविलेज लोगों में से हैं, इसी के आने जाने से माफ कीजिए मैं चौक हो गया गना, मेरी सेहत पे नहीं फर्क पड़ता। मैं जब देखता हूं इस मुल्क का जो बच्चा है आज, इसका क्या बनेगा, उनकी औलादों के साथ क्या होगा, इनकी बोटियां बेच देंगे ये, ऊपर से लेके नीचे तक, ये जितने शोबदाबाज हैं, ये जितनी नौटंकियां और ड्रामे चल रहे हैं, ये इनको इनको ये बड़े गोश्त के भाव बेच देंगे, बेच चुके हैं। आप फिगर्स निकलवाए, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ वो भी इन्होंने गिरवी डाल दिया है, जालिमों ने, ये झूठे हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है, ये ड्रामे हैं, ये नौटंकियां हैं।